कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम इकाई 3 में अध्याय 5 का यहाँ हम अध्ययन करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है भारत में आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इस अध्याय के अंतर्गत हम भारत में आर्थिक वातावरण किस प्रकार का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के आर्थिक वातावरण में विभिन्न आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। सरकार के द्वारा विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत चलाए गए, उनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें प्रमुख मुख्य रूप से उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति। यहाँ पर और विस्तार से हम जानेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ, उनकी आवश्यकता क्या है, साथ ही उनका महत्व क्या है। इसी के साथ विमुद्रीकरण क्या है यह हम जानेंगे, विमुद्रीकरण का महत्व क्या है, उसके लाभ क्या हैं। साथ ही हम जानेंगे भारत में आर्थिक सुधार के उद्देश्य व महत्व क्या थे। इन बिंदुओं के आधार पर हम भारत में आर्थिक वातावरण चैप्टर के अंतर्गत हम इन पर चर्चा करेंगे। भारत में आर्थिक वातावरण, प्रस्तावित तौर पर हम देखें यहाँ पर कि भारत में वर्ष 1991 से देश में अनेक आर्थिक सुधार के कार्यक्रम किए गए, जिन्हें नई आर्थिक नीति कहा गया। नई आर्थिक नीति एक ऐसी उदारीकृत नीति से था जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो। सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान या ग्रांट समाप्त हो, विनियोग से संबंधित जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो, तथा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का भारत में आगमन सुलभ हो। इन आर्थिक सुधारों में प्रमुखता है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण करना रहा है। देश में आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारणों को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे नंबर एक पर खाड़ी संकट, वर्ष 1990 में ईरान इराक युद्ध के कारण तेल की कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ गईं, जिसके लिए विदेशी भुगतान के लिए सरकार द्वारा ऋण लेने से देश का साख स्तर बहुत नीचे हो गया था। यहाँ पर भुगतान संतुलन की काफ़ी समस्या सामने आई थी। दूसरा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, सरकार के गैर विकास व्यय में वृद्धि होने से राजकीय कोष में घाटे में वृद्धि होने से सरकार को उसे पूरा करने के लिए ऋण पर सरकार की ऋण निर्भरता बढ़ने लगी। वहीं कीमतों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफ़ी तेजी आ गई, जिसके पीछे मुद्रा की आपूर्ति का तेज होना था, जिसके सुधार के लिए मौद्रिक नीतियों द्वारा नियंत्रण आवश्यक था। वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों की असफलता काफ़ी बढ़ गई थी। देश के अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लगातार घाटे पर चलने के कारण इन पर एक नए नज़रिए को अपनाना आवश्यक हो गया था। साथ ही भुगतान संतुलन की स्थिति, देश में कुल निर्यात व आयात का अंतर भुगतान संतुलन है, अतः जब आयात मूल्य कुल निर्यात मूल्य से अधिक हो जाता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति बन जाती है, जिससे निपटने के लिए नई आर्थिक नीति को बनाया जाना आवश्यक हो गया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक नीति की आवश्यकता के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आर्थिक सुधार कार्यक्रम या इसकी विशेषताएं, तो यहाँ पर सबसे पहले सरकार के द्वारा उदारीकरण की नीति पर जो कार्य किए गए, यहाँ पर हम जानेंगे उदारीकरण क्या है। तो जब किसी देश की सरकार द्वारा जब कर नीति, आयात निर्यात नीति, व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्यिक नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन आदि में लगे नियंत्रण को हटाती है, तो उसे हम यहाँ पर उदारवादी नीति कहा जाता है। उदारवादी नीति के अंतर्गत बाजार की शक्तियाँ जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है, यहाँ पूंजी की गतिशीलता बढ़ती है
तथा उस देश का व्यवसायी स्वावलंबी व विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बन जाता है। तो यहाँ पर उदारीकरण से आशय जो है सरकार के द्वारा उद्योग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न नीति नियमों में ढील देना, नियंत्रणों को कम करना, ताकि बाजार शक्तियाँ जो है स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे उदारीकरण की कुछ विशेषताएं हमारे सामने हैं। जैसे उद्योग व्यवसायों को स्थापना करने के नियमों को शिथिल करते हुए सरल बनाना। दूसरा बिंदु है बजट घाटा को कम करके मुद्रा स्फीति को कम करना। तीसरा बिंदु है उद्योग व्यवसाय की स्थापना हेतु लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना एवं कर प्रक्रिया को भी सरल बनाना। साथ ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आई रुकावट को दूर करना। देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधार लाकर उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। साथ ही विदेशी निवेश, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना और उत्पादन के लिए उन्नत प्रकार की तकनीकों को अपनाया जाना। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि उदारीकरण की जो विशेषताएं हैं, इनके अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया, कर प्रक्रिया को सरल बनाना, साथ ही विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना, उत्पादन की उन्नत बेहतर तरीकों को अपनाना, साथ ही निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से भारत में अपनाई गई उदारीकरण की नीति से देश में विदेशी पूंजी विनियोग की संख्या तथा मात्रा में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई और इससे देश के आर्थिक विकास में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई। किंतु इस नीति की उपलब्धि जो है दीर्घकाल तक, लंबे समय तक प्राप्त होती रहे तथा देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, तभी इस नीति को उचित कहा जा सकता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमने जाना कि उदारीकरण क्या है या उसकी प्रक्रिया क्या है। दूसरा बिंदु हमारे सामने है उदारीकरण के पश्चात जो दूसरी प्रक्रिया अपनाई गई वो है निजीकरण की प्रक्रिया। तो वर्ष 1991 में किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत देश में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना एवं निजी हाथों वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना निजीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत कुछ चुने हुए सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी हाथ से अलग कर निजी हाथों को सौंप दिया जाता है। साथ ही सरकार जो है सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय भी करती है। सरकार यहाँ पर रुग्ण एवं हानिप्रद सार्वजनिक इकाइयों को बंद करके निजी हाथों को सौंप देती है। इस प्रकार से निजीकरण वो सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र वाली इकाई का स्वामी निजी क्षेत्र बन जाता है और उसका प्रबंध जो है वो निजी हाथों में, निजी क्षेत्र में आ जाता है। निजीकरण के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय व प्रयास किए गए जिनकी विशेषताएं यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में कमी। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है, जो सरकार के द्वारा उद्योग संचालित किए जा रहे थे, जो लगातार घाटे में चल रहे थे, उन घाटे वाले उद्योगों को, व्यवसायों को सरकार के द्वारा निजी हाथों में बेचकर उनका स्वामित्व परिवर्तन किया गया। दूसरा कारण था रुग्ण इकाइयों से मुक्ति। इसके अंतर्गत सार्वजनिक इकाइयों को भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत लाया गया, जो ये निर्धारित करता था कि कौन सी इकाई रुग्ण है, बीमार है और किसका पुनर्गठन संभव है या किन इकाइयों को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सार्वजनिक इकाइयाँ ऐसी जो रुग्ण थी उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। वहीं तीसरा, आरक्षण से मुक्ति। 1991 में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करके 6 कर दी गई तथा वर्तमान में सिर्फ 2 क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे, जिसमें हाई स्पीड परियोजना, रेलवे विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, यात्री टर्मिनल आदि हैं। अगला बिंदु है सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी पूंजी का अपनिवेश किया जाए, अर्थात सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो पूंजी लगाई जा रही थी उसको क्रमशः कम किया जाए तथा उसका उपयोग
उस पूंजी का उपयोग यहाँ पर आधारिक संरचना में लगाया जाए, जिसका पालन करते हुए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। अंतिम बिंदु यहाँ पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाकर उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब यहाँ देखेंगे हम कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई उसके लाभ किस प्रकार के हैं। सबसे पहला लाभ जो था, पूंजी की कमी को दूर करना। इसमें विदेशी पूंजी निवेश के कारण विनियोग को आकर्षित कर निजी क्षेत्र की पूंजी को यह बढ़ाता है। दूसरा, प्रतियोगिता में वृद्धि, निजीकरण उपक्रम की प्रतियोगिता करने की क्षमता में वृद्धि करता है। अगला बिंदु, तीव्र विकास, देश में पूंजी निर्माण, अनुसंधान तथा टेक्नोलॉजी में धन विनियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करता है। जीवन स्तर में सुधार, उपभोक्ताओं के हित में उन्हें सस्ती, उपयोगी व टिकाऊ वस्तुएं उपलब्ध कराता है। वहीं कुशलता में वृद्धि, निजीकरण उपक्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर निजीकरण क्या है, निजीकरण की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही निजीकरण के लाभ क्या क्या हैं, इनको हमने यहाँ पर जाना। वैश्वीकरण, किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में, जिसमें कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा करती हैं। वैश्वीकरण में समस्त देशों के व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगकर्ता जो हैं वो आपस में एक समग्र बाजार में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर संपूर्ण विश्व की बाजार शक्ति को एक सत्ता के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है। दो देशों के बीच में जो भी व्यवसायिक बाधाएं हैं, आर्थिक बाधाएं, उनको कम कर दिया जाता है। वैश्वीकरण नवीन तकनीक तथा उत्पाद से संपूर्ण विश्व बाजार को अवगत कराता है, ताकि विश्व में उस देश की पहचान बनाई जा सके। इस प्रकार व्यापार को न्यूनतम लागत में परिपूर्ण कर उसे प्रतियोगिता प्रदान करता है वैश्वीकरण। इसमें क्रय विक्रय, सेवाओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात, बैंकिंग, पूंजी निवेश आदि वैश्विक बाजार के संपर्क में रहकर संचालित होते हैं तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले जो लाभ या बिंदु हैं वो हैं, नंबर एक, बाजार का विस्तार। यहाँ पर वस्तुओं की किस्म के लिए नई नई मांगें, नई परिवर्तित होती हुई फैशन, रुचि व आवश्यकता तथा वस्तुओं के छोटे जीवन काल को लेकर प्रोत्साहित करता है व बाजार का ये विस्तार करता है। वहीं दूसरी ओर इसका लाभ है नवीन तकनीक का आगमन। वैश्वीकरण से विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने से नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों में सुधार होता है और तेजी से आर्थिक विकास भी होता है। जीवन स्तर में वृद्धि, अधिक उत्पादन होने से उपभोक्ता को न्यूनतम लागत पर अधिक उपयोगी वस्तुएं, उचित गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ता है। तीव्र आर्थिक विकास, वैश्वीकरण से विभिन्न राष्ट्रों के बीच में तकनीकों का आदान प्रदान होता है, विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ता है, इससे देश का तेजी से आर्थिक विकास होता है। वहीं विदेशी व्यापार एवं मुद्रा कोष में भी वृद्धि, आयात निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त हो जाता है, संरक्षण नीति समाप्त कर देते हैं, इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। वहीं श्रेष्ठ तकनीक के कारण श्रेष्ठ उत्पादन होने लगता है, इससे निर्यात बढ़ता है और निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है, जिससे कि भुगतान संतुलन की समस्या हल होती है। इस प्रकार नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में जो कार्य किए गए वे महत्वपूर्ण